एस फोर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने साहिल डंडा की राम राम है। फिलहाल देख सको मैं जींद में हाँ डीसी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं किसान है। आगे देख सको पुलिस बल बिल्कुल तैनात है और यहाँ पर भी किसान तेजी से रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। किसानों में पूरा जोश है, देख सकते हैं किस प्रकार से किसान तेजी से पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से बवाल मचेगा, बवाल किस प्रकार से देख सकते हैं आप। लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। देख सकते हैं भाई किस प्रकार से लाठी चार्ज की संभावना है। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें भाई, किस प्रकार से जो है किसान पूरे जोश में है। लखीमपुर घटना में हुई जो उसको लेकर किसानों ने डीसी ऑफिस का घेराव किया है और बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं, बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं किस प्रकार से देख सकते हैं आप। पुलिस बल किस प्रकार से तैनात है, आर्मी बीएसएफ भी बुलाई हुई है। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद। किसानों का तो काफिला है, डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। आपसे इस निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इस वक्त की बड़ी खबर ग्राउंड में जैसा अनुवाद देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो देख सको किस प्रकार से किसान नाम पूरा जोश है, जो है डीसी ऑफिस है उसके उसका घेराव करने जा रहे हैं किसान। किसानों में देख सकते किस प्रकार से जोश है, जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसको लेकर किसान पूरे जोश में हैं। इसके बारे में हम बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार ने जो है अपने जुल्म चरम सीमा पे दिखाने का काम किया है। आज जो किसानों का दर्द है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है और किसान कितना भी लंबा आंदोलन चले अपने आंदोलन से नहीं भटकेगा। किसान देख सके भाई किस प्रकार से किसान हम पूरा जोश है। भाई आपने भी सुना आगे भी देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेड लगाए हुए हैं। जो भाई ये देखो भाई जींद कोर्ट है, जींद डीसी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं किसान। बैरिकेड भी कितनी भारी संख्या में लगाए हुए हैं। तेरा